बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर्स और लेंसेज के दरमियान डिफरेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव मिरर ओपेक ऑब्जेक्ट है, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट की बीम्स एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकती, पर जो लाइट की बीम्स उस ऑब्जेक्ट से टकराती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। पर अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब कि लाइट की बीम्स एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। कॉनकेव मिरर की ये प्रॉपर्टी है कि जितनी भी लाइट की बीम्स उस पर टकराती हैं तो वो उन लाइट की बीम्स को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पर, उन सारी बीम्स को फोकस करता है। पर अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो वो सारी की सारी लाइट की बीम्स को डाइवर्ज कर देता है, अपने से दूर कर देता है, फोकस नहीं करता किसी भी पॉइंट पर। अगर हम कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखें, तो जो लाइट की बीम्स हैं ऑब्जेक्ट से टकराकर कॉनकेव मिरर में जाएंगी और रिफ्लेक्ट होकर उसके बाद जो हमें इमेज मिलेगा वो इमेज इन्वर्ट होगा, मतलब कि उल्टा होगा, और वो इमेज रियल इमेज होगा, क्योंकि ये जो कॉनकेव मिरर है उसके दूसरे तरफ लाइट की बीम्स नहीं जा सकती, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है। पर अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के बिल्कुल सामने रखें, तो जो लाइट की बीम्स हैं उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि जो इमेज बना है वो कॉनकेव मिरर के पीछे बना है, और वो इमेज इरेक्ट और लार्ज होता है। पर ये जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि भले ही हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये जो इमेज है ये इस कॉनकेव मिरर के पीछे बना है, पर एक्चुअल में कॉनकेव मिरर ओपेक है और ओपेक के दूसरी तरफ लाइट पास नहीं हो सकती, तो इसीलिए ये वर्चुअल इमेज है, इमेजिनेशन है सिर्फ। पर अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, तो उसमें हम जो ऑब्जेक्ट रखते हैं कॉनकेव लेंस के सामने, उसमें से लाइट की बीम्स आती हैं कॉनकेव लेंस से टकराती हैं, तो उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती हैं और जो इमेज बनता है वो इरेक्ट और स्मॉल बनता है। पर यहाँ पर जो इमेज होता है वो हमेशा वर्चुअली होता है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उस ऑब्जेक्ट को उस लेंस के पास रखें या उस लेंस से दूर रखें, जहाँ पर भी उस ऑब्जेक्ट को रखा जाए इमेज वर्चुअली बनेगा। पर यहाँ पर इमेज वर्चुअल क्यों बनता है, क्योंकि ये जो कॉनकेव लेंस है ये ट्रांसपेरेंट लेंस है, जो ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है उसमें से लाइट पास हो सकती है, पर उसके बावजूद उसके सेम साइड पे इमेज बन रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इमेजिनेशन है, ये रियल इमेज नहीं है, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट है, मतलब कि लाइट की बीम्स उसमें से पास नहीं हो सकती, और जब वो लाइट की बीम्स उस ओपेक ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर से टकराती हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और उसमें से लाइट की बीम्स पास हो सकती हैं, मतलब कि रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, गुजर सकती हैं। कॉन्वेक्स मिरर से जब लाइट की बीम्स टकराती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं, मतलब कि फैल जाती हैं। पर अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो उसमें से जब लाइट की बीम्स पास होती हैं तो वो कन्वर्ज हो जाती हैं, मतलब कि एक पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं। कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखें, तो लाइट की बीम्स उसके टकराने के बाद कॉन्वेक्स मिरर में टकराएंगी, और जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट इमेज होगा, पर कॉन्वेक्स मिरर के बैक साइड पे होगा, और वो इमेज ऑलवेज वर्चुअल होता है। यहाँ पर ये नहीं होता कि हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखें या दूर रखें तो उसे चेंजिंग नहीं आती, ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही बनता है। और ये वर्चुअल क्यों होता है, रियल क्यों नहीं होता, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो ओपेक है, और ओपेक चीज़ों में से लाइट की बीम्स पास नहीं हो सकती, ये एक इमेजिनरी इमेज होता है, तो इसीलिए ये वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता। पर अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, तो उसके फ्रंट पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें पर उसके बिल्कुल सामने रखें, तो जब लाइट की बीम्स पास होंगी तो उसके बाद जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट इमेज होगा, पर वो वर्चुअल इमेज होगा। अगर ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास रखें कॉन्वेक्स लेंस के, तो वर्चुअल इसीलिए क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंट में से लाइट की बीम्स पास हो सकती हैं, पर उसके बावजूद ये इमेज जो है सेम साइड पे बना है, तो इसलिए ये इमेज रियल नहीं है। पर अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस से बहुत दूर रखें, उसके बाद लाइट की बीम्स पास हों, और हमारा जो इमेज बनेगा वो इन्वर्ट होगा, मतलब कि उल्टा होगा, पर रियल इमेज होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के दूसरी साइड पे इमेज बन रहा है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो काम की लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फलक लर्निंग ट्यूब को। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।